बिग बॉस 18 के इस हफ्ते पहले ही एक मिड वीक इविक्शन हो चुका है। अगर अपने बात करें मुस्कान बामने का, जो कि घर वालों की तरफ से, और बार बार बिग बॉस ने कहा था कि ये इविक्शन हाउसमेट्स की तरफ से हुआ है, आपके हाथों से, आपके नतीजे पे और आपके कहने पे ये इविक्शन हुआ है, जिसे आप चाहते थे घर से बेघर हो, आपके पास ऑप्शन थे, लेकिन आपने जिसको चाहा वो बिग बॉस के घर से बेघर आपने कर दिया उसको। लेकिन जो कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं उनमें भी इविक्शन होगा। जी हाँ, तो बिग बॉस ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था वीकेंड का वार से, एंड वीकेंड का वार के ऊपर इस बार डबल इविक्शन होने वाला है। मतलब इस हफ्ते के अंदर 3 इविक्शन होने वाले हैं, और एक इविक्शन हो चुका है मुस्कान बामने को, और 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं, और इनमें से एक कंटेस्टेंट अभी इविक्ट हो चुका है घर से, एंड एक कंटेस्टेंट होने वाला है आज रात को। जी हाँ, क्या है पूरी कहानी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, मुस्कान बामने के विक्शन के बाद में वीकेंड का वार के ऊपर कंटेस्टेंट थे 5 जो नॉमिनेटेड थे। बात करें नायरा थी, रजत थी, करणवीर थे, अविनाश थे, और उसके अलावा थे बग्गा जी, ऐसे मतलब 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे, और उन 5 कंटेस्टेंट में एक कंटेस्टेंट इविक्ट हो चुका है, वो भी सबसे कम वोटों के आधार पर। जी हाँ, और उसके अलावा अपने बात करें तो वो सबसे कम वोट मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि उनको आए होंगे। उसके अलावा भी एक कंटेस्टेंट और थी जो नॉमिनेटेड थे, एंड उनमें से एक जो कि इस हफ्ते घर से बेघर अभी तक हो चुकी है, क्योंकि डबल इविक्शन होने वाला है, तो एक उनमें से गया, 3 होने वाले हैं। एक मुस्कान बामने की वीकेंड का वार पे 2 होने थे, उसमें से एक इविक्शन हो चुका है नायरा बैनर्जी का, जो कि घर से बाहर जा चुकी हैं। अब उनमें से एक और इविक्शन होने वाला है, जो कि वीकेंड का वार शूट डन होने के बाद इविक्शन होने वाला है, और तीसरा इविक्शन किसका होगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा इविक्शन अभी प्रोसेसिंग के अंदर है, और 101% कन्फर्म होगा, और इस हफ्ते 3 कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएंगे। इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको क्या लगता है नायरा बनर्जी के बाद में कौन होगा घर से बेघर, प्लीज कमेंट के अंदर अपना ओपिनियन शेयर करना, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।